तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मस्थल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आया हूं श्रृंगवेरपुर धाम, जिसे स्वर्ग की नगरी कहा जा रहा है फिलहाल में, और हम आए हैं श्रृंगवेरपुर राजा निषादराज गुहे के नगरी में। यानी कि आज आप जो पीछे मूर्ति देख पा रहे हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान निषादराज गुहे की मित्रता की एक मिसाल के तौर पर यहाँ देखी जा रही है। और उसी की अगर सही देखा जाए तो मित्रता के तौर पर ये जो बन रहा है, अनावरण होने वाला आज है। डॉक्टर संजय निषाद, जो कि मत्स्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्हीं के द्वारा अनावरण होने वाला है इस मूर्ति का। तो आइए वीडियो को देखते हैं और देखते हैं यहाँ किस प्रकार से लोगों का हुजूम जमा हुआ है। आती वापस तो अब देखिए हम लोग पहुँचे हैं, ये है मुख्य जगह, प्रथम जगह। सबसे पहले हम इन्हीं का दर्शन करते हैं, महाराजा गोविराज निषाद जी का। और यहीं के बाद से रास्ता शुरू होता है अंदर किला की ओर जाने का। अब ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं, अभी आप जो मूर्ति देख पा रहे हैं, वो वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी द्वारा निर्माण कराया गया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही भव्य तरीके से अलौकिक छवि के साथ इस निषादराज गुहे जी का मूर्ति की स्थापना कराई गई है, और यहीं से रास्ता शुरू होता है। वैसे हम आगे चलकर इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं रास्ते को और धर्मशाला तथा गंगा स्नान, गंगा आरती, श्रृंगी ऋषि जी का पूजन अर्चन और निषाद महाराज जितने भी हैं, सारे लोग एक साथ हैं, उनकी भी आरती दिखाई जाएगी। विशेष तौर पे उसके बाद हम किले को दिखाएंगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के पास। यहाँ लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, जो यात्री प्रवासी आते हैं, और ये बहुत बेहतरीन धर्मशाला बना हुआ है। इसके आगे ही छोटी सी मार्केट है, जिसमें आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने के लिए। यहीं से बहुत निकट हम समझिए कि पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सभी मैं पहुंचा हूं श्रृंगवेरपुर घाट के पास, और यहां देखिए सभी लोग स्नान कर रहे हैं भारी संख्या में, और सुबह के 7 बज रहे हैं। फिलहाल हम लोग 5 बजे यहां पहुंच चुके थे, और अभी देखिए बहुत सारे लोग यहां एक साथ में स्नान कर रहे हैं गंगा घाट पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी तरह से देखते रहें। तब तक हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के बारे में, यानी कि श्रृंगवेरपुर धाम के बारे में कुछ बताया जाए। इलाहाबाद से लगभग 22 मील, यानी कि अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 32 से 35 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है सिंगरौर नामक स्थान, और सिंगरौर नामक स्थान ही उस समय श्रृंगवेरपुर धाम से नाम से जाना जाता था। वैसे रामायण में भी इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित है। महाभारत में भी इस तीर्थ स्थल का जिक्र किया गया है। डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन किया गया। और अगर हम पौराणिक दृष्टि से देखें तो श्रृंगवेरपुर रामायण में वर्णित वह स्थान है जहाँ वन जाते समय राम, लक्ष्मण और सीता एक रात्रि के लिए ठहरे थे। इसका विज्ञान श्रृंगौर से किया गया है। यह स्थान गंगा के तीर पर स्थित है, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, और यहीं श्री रामचंद्र जी की भेंट महाराजा निषादराज गुहे जी से हुई थी। इतना ही नहीं, यहीं राम और लक्ष्मण तथा सीता ने नौका द्वारा गंगा को पार किया था और अपने साथी सुमन को वापस अयोध्या भेज दिया था। वैसे गंगा में स्नान करने का मज़ा ही कुछ और है। अभी देख पा रहे हैं कि मैं स्नान कर रहा हूं, और भी वीडियो में बने रहे, मैं और बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो अभी मैं नहा चुका हूं, और यहां देखिए घाट पे अधिकतर लोग नहा चुके हैं, बहुत सारे लोग, और हम लोग नहा के निकले हुए हैं। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं और आपको दिखाने वाला हूं वीडियो, जिसमें आप बने रहेंगे तो काफ़ी बहुत कुछ जानने को पाएंगे इस वीडियो में। लग रहा मेरे मामा अभी स्नान करने की मूड में नहीं है। फिलहाल वो तैर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम आते हैं थोड़ा सा जानकारी की ओर। अध्यात्म रामायण अध्याकांड में भी श्री रामचंद्र जी का श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर पहुंचना वर्णित है। इसी स्थान पर भगवान श्री राम शीशम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। इतना ही नहीं, भरत का श्रृंगवेरपुर पहुँचना अध्यात्म रामायण में इस प्रकार वर्णित है।
सर्गवेरपुरम गत्वा गंगा कोले समंततः उवास महती सेना शत्रुघ्न प्रोदितः। इस तरह से कालिदास ने भी कुछ रघुवंश में विषादपति गूह के सर्गवेरपुर धाम के बारे में वर्णन किया है। इतना ही नहीं, बड़े ही विस्तार से तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में सिंगरौर यानी कि सिंगवेरपुर धाम के इन प्रसंगों के बारे में उल्लेख किया है। सीता सचिव सहित दो भाई सिंगवेर पहुँचे जाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए, केवट कीन बहुत सेवकाई, जो जामिन सिंगरौर गमाई, सही तीर बह चले बिहाने, सिंगवेरपुर सब नियराने, सिंगवेरपुर भरत दीख जब भेसनीय वश अंग विकल सल। आपको बता दें कि सिंगवेरपुर धाम में निषादराज गुह जी का वर्णन है और केवट यानी कि नत्थालाल केवट जो नाव को चलाते हैं उनका वर्णन किया गया है। वैसे तो जानकारियां बहुत देनी है पर अभी हम गंगा की आरती देखेंगे। गंगा की आरती देखने के बाद कोशिश करते रहेंगे कि आपको जानकारी बीच बीच में दे रहे हैं। आइए आरती देखते हैं। गंगा आरती समाप्त हो चुकी है। वैसे महाराजों की टोली एक साथ है और जो आप पीले वस्त्रों में देख पा रहे हैं वो हैं अंबेडकर नगर जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक बाबा कमला पंडित जी महाराज के महंत स्वामी श्री रामनयन जी महाराज। तो अब यहाँ सब पूजा पाठ कर चुके हैं और गंगा मैया की है जो देखिए आरती हो चुकी है। इधर महाराज जी आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर श्री संतोष निषाद जी महाराज और शास्त्री महाराज जी साथ में हैं और जितने भी निषाद महाराज हैं सभी लोग साथ में आ रहे हैं। माता गंगा की आरती हो चुकी है, सभी जो यहाँ हैं महाराज उपस्थित हैं। और गंगा आरती के बाद यानी कि अब हम जा रहे हैं श्रृंगी ऋषि मंदिर पे, वहाँ पूजा पाठ सभी लोग करेंगे, सभी महाराज एक साथ वहाँ उपस्थित होंगे, शंखनाद होगा, उसके बाद ही अन्य कार्यक्रम शुरू होंगे। और उसके बाद अगर हम देखने की बात करें तो हम किला की ओर प्रस्थान करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं श्रृंगी, यहाँ मंदिर है उसी में जा रहे हैं सभी लोग। अब पीछे देखिए वहाँ देखिए आ रहे हैं और सारे वैसे अब हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास, लेकिन हम थोड़ा सा इन चित्रों की अगर बात करें दीवारों पे जो लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। कार्ड ये है कि महाराजा निषादराज गुह महाराजा थे, ना कि कोई सेवक थे, और उनको इस तरह से यहाँ दर्शाया गया है, दिखाया गया है जैसे मानो वो सेवक हों। आपको बता दें कि वो महाराजा निषादराज गुह थे जिनके नाम से सिंगवेरपुर धाम जाना जाता है। जय
फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगला भाग अभी बाकी है।